Hello everyone, this is Sujit Naik and we are still continuing in Unit 3. And how are you doing everybody? Are your parents are? I think your parents are doing well. And today we are going to do the exercise part. Understood? So let's move forward. We are learning the poem. The name of this poem is A Smile. Well, you can get in English exercise part, that is, let's read. We need to read these lines, so be careful, sab log dhyan se suno. My grandmother has many wrinkles on her face. Everybody speak. My grandmother has many wrinkles on her face. Grandmother ki jo face hai, उसमें ओरिजिनली नेचुरली क्या हुआ है कि रिंकल्स है, राइट? और आपके फेस में रिंकल्स कब आता है? व्हेन एवर यू स्माइल्स. ओके ओके, नेक्स्ट. शैल आई टेल यू अ सीक्रेट? शैल आई टेल यू अ सीक्रेट? किसी को हम आप जाके बोलते हो ना, कान में विस्परिंग करते हो, फुसफुस करके बोलते हो, राइट? उसको बोलते हैं क्या, विस्परिंग करना. जब आप कान में जाके बोलते हो ना, तो आप सीधे सबको तो नहीं बोल सकते सीक्रेट क्या है. आप किसी एक को बोलोगे, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. क्या सीक्रेट है? हो सकता है कि मम्मी ने कुछ ऐसा खाना बनाया जो किसी को पता नहीं है, राइट? या फिर मम्मी ने किसी ऐसी जगह पे कोई चीज़ छुपाई है जो किसी को पता नहीं है, तो वो सीक्रेट होता है, राइट? ओके, नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है? व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग? एक स्माइल जो है वो फनी थिंग क्यों है? वेल, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, अ स्माइल इज अ फनी थिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स रिंकल्स ऑन योर फेस. अंडरस्टूड? ओके, सेकंड क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन? क्या होता है जब आप किसी को स्माइल देते हो? ये तो मैंने आपको कल ही सिखाया है ना. When we smile at someone, he also smiles at us in return. क्या होता है कि अगर हम किसी को स्माइल देते हैं तो रिटर्न में हमें भी एक स्माइल मिलता है. ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस यू नीड टू राइट इन योर कॉपीज. ओनली टू क्वेश्चंस, नथिंग मच मोर देन दैट. ओके, वेल, ये एक एक्टिविटी है, सब लोगों को करना ही एक्टिविटी, ध्यान से सुनो. लेट्स लिसन अ जोक. आई आस्क्ड माय मदर फॉर 20 rupees टू सी द लायन जंप द ट्रीज. सो ही जंप सो हाई ही टच द मून एंड नेवर कम बैक टिल एंड ऑफ द जून. वेरी गुड. सो ये था आपका जोक. तो अगर आपको कोई जोक आता है तो आप क्या करोगे, अपने जोक बना के आप क्या करोगे, वीडियो अपलोड करोगे, ठीक है? कहाँ पे अपलोड करना है? ग्रुप में आप छोड़ोगे, ठीक है? सबको सुनने दो, कितनों को क्या क्या जोक आता है, आइदर दैट इज इन हिंदी और इन इंग्लिश, आई डोंट माइंड. बट आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक जोक आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड. सब लोग मेरे साथ बोलो बेटा, से अलाउड, जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे आपको बोलना है. ट्रंक संक जंक, राइट? टी आर यू एन के ट्रंक, एस यू एन के संक, जे यू एन के जंक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू टू. सिंक एस आई एन के सिंक, टी एच आई एन के थिंक, पी आई एन के पिंक. सिंक थिंक पिंक. वेन एवर यू विल कम टू नो इट हैज सफिक्स्ड विथ आई एन के, देन द प्रोनाउंसिएशन विल बी इंक. आई एन के इंक, उससे पहले कुछ लगाओगे उसके हिसाब से आपकी वर्ड बनेगा. आई एन के इंक, एस आई एन के सिंक, आई एन के इंक, टी एच आई एन के थिंक, आई एन के पिंक,
P-I-N-K, pink. Understood? The same thing applies on UNK, onk. What? UNK means what? Onk. UNK kaise awaaz karta beta? Onk awaaz karta. UNK, onk. UNK, onk. T-R-U, true, N-K. Trunk. Understood? S, UNK, sunk. UNK, onk. S-U-N-K, sunk. UNK, onk. J-U-N-K, junk. Understood? इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है. ठीक है, देखते हैं. थ्री, एल ई, ल. एल ई क्या होता है? अल. अल क्या आवाज आता है? ठीक है, कैसे आता है देखते हैं. ओ, यहां पे डब्ल्यू आर आई की आवाज प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा गया है, जो कि री की आवाज आता है. क्या होता है? री. री. डब्ल्यू आर आई, री. डब्ल्यू आर आई एन के एल ई, रिंकल. ठीक है, डब्ल्यू आर आई जी जी एल ई, रिगल. री गल, री गल. लेकिन यहां पे देखो डब्ल्यू आर आई टी ई हो गया, तो इसमें क्या होगा? राइट हो गया. वो रीट नहीं हो गया, राइट हो गया. ठीक है, ओके. ये थोड़ा सा स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, आप थोड़ी जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. फिलहाल इसको आप लर्न कर लेना. ठीक है, वेल. वरी, डब्ल्यू ओ वो की आवाज आता है. क्या होता है वो? डब्ल्यू आर ओ जब भी आपको कहीं पे लगा हो सुनाएगा तो आपका आवाज कैसे होना चाहिए? वो. डब्ल्यू ओ वो. डब्ल्यू ओ आर आर वाई वो री. डब्ल्यू ओ वो आर आर वाई री वो री. डब्ल्यू ओ आर के वोर्क. आर के वोर्क. ठीक है, देन वंडरफुल. डब्ल्यू ओ एन डी ई आर एफ यू एल वो. डब्ल्यू ओ एन क्या होता है? वो. वन वन हो गया. डी ई आर डर एफ यू एल फुल. वंडरफुल. अंडरस्टूड? बेटर. यू जस्ट प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एट होम एंड यू टेल मी हाउ यू हैव मास्टर्ड दिस वन. ठीक है, ये आपको मास्टरिंग करना जरूरी है. ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेकेंड सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो एंड फोर्थ रो ऑल दिस रोज यू नीड टू मास्टर. अंडरस्टूड? ग्रेट. चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. When we read W in column 3, it has no sound. W column 3 में आप देखो इसमें क्या है, जो W लिखा गया है ना वो साइलेंट होता है. W हम नहीं बोलते. जैसे कि सेकेंड वर्ड क्या है? R है ना, तो उससे शुरू होता है. W R I री. R I री. लेकिन W उससे पहले लिखा होता है. लेकिन यहाँ पे W, the W will be silent. Okay? It has no sound when a word starts with W R I. Understood? So W will be silent. Great. Next word. Look at the word talk. Here L is silent. Talk. Where the talk has written? Well, it has not written over there, but we need to learn. Talk, yes, not written. Look at the word talk. Talk जो है ना, T-A-L-K, talk. Here L is silent. हम talk नहीं बोलते हैं, ठीक है? बातें करना talk होता है, तो talk नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Talk बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी आप बातें करने के लिए कहीं पे लिखा हुआ है, आई मीन टू से इफ इट हैज रिटन टी ए एल के, देन यू नीड टू स्पीक टॉक ओनली, नॉट टॉक. अंडरस्टूड? ओके. द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. देखते हैं. वक वक वक. मोर मोर. रैप जोक. वॉक, जैसे वॉल्क, जैसे टॉल्क नहीं बोल सकते वैसे हम वॉल्क भी नहीं बोल सकते. सो व्हाट विल यू राइट? वॉक, मो, रैप, जोक. अंडरस्टूड? ओके. ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव आई साउंड दैट राइम्स विथ माई
Can you feel in the letter and then say the word aloud? हम इसमें क्या करेंगे, कुछ letters हम क्या करेंगे इसमें fill करेंगे. कौन सा letter? I fill करेंगे. ठीक है, I fill करने के बाद ये book का work है. ठीक है बेटा, everybody look at here, this is the book work and you need to do this work in the book. Understood? Let us see. Smile, you need to put I over there. Kite, I. Mice, I. Line, I. Smile, kite, mice, line. ये सब क्या करते हैं, my word से rhyming word बनते हैं. ठीक है, well, so इसमें आपको क्या भरना है, smile. Smile में क्या भरना है, I भरना है. And आपको बोलना है smile. Kite, I भरना है, आपको बोलना है kite. Mice, I भरना है, आपको बोलना है mice. And line, आपको I भरना है and आपको बोलना है line. Understood? Great. Okay, this much for today. Tomorrow I will finish all the exercises which are left. This much for today. Tomorrow I will come with another exercise which are left. And till then, you just try to do all this thing, practice at home, and you can post your video also. Understood? Great. Have a nice day. Stay safe. Bye-bye.